अब इसके अंदर एक मसला आता है कि अब जीवा भी हो गया, सब हो गया, तो अब इसको इसमें से यहाँ मसला जो है बड़ा लोग इसके अंदर वो करते हैं, और आप देखें आप लोग मैसेज भी आएंगे इसके ऊपर, मैसेज भी मिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये खाना मकरूह है, ये खाना हराम है, इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, जो इसके जो है कपूरे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें मकरूह है, उजड़ी नहीं खाएगा कोई, इसके अंदर जो है तमाम लोग इसके अंदर लिस्ट भी बना देते हैं, इतने जानवर, इतने जो हिस्से खाना मकरूह, इतने हिस्से खाना हराम, तो इसको क्या इसका कुछ मिलता है क्या? तो इसका कोई हमको रिवायत नहीं मिलती है, कोई रिवायत इसकी नहीं मिलती है। तो इसका सीधा सा मसला यह है कि जो उसके अंदर खाने लायक है वो आप खा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको नुकसान है उसको आप छोड़ दें। अब देखिए आप जो खाने लायक है जिससे आपको नुकसान है वो खा सकते हैं, अब जिस आपको क्या क्या खूर खा लें तो खूर खाने से भाई आपके दांत टूट जाएंगे तो मत खाइए, सींग खा लें उसके दांत खा लें तो उससे आपके दांत टूट जाएंगे, नुकसान करेगा, आपको हजम भी नहीं होगा तो मत खाइए आप, तो जो इसमें से खा सकते हैं उसको खा लें। अब कई लोग इसमें मसला क्या करते हैं कि नहीं ये जो अंदर इसके उजड़ी जो होती है जो उसका मैदा होता है जहाँ पर उसका खाना जमा होता है, तो लोग कहते हैं ये खाना मकरूह है, तुम्हारे हिस्से के अंदर ये हिस्सा भी क्या है कि ज़मीन का हिस्सा है तो उसको दफना दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि उसके जो है उजड़ी को दफनाया जाए, आप खा सकते हैं उसको भी तो खा लें, या आप किसी को देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो ये है कि जो चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो वो उसमें से खा लें, जो आपको नुकसान करे उसको ना खाएं, ये उसके अंदर से मसला है। तो इसके अंदर कोई बंदिश जो है इस्लाम ने इसके अंदर नहीं लगाई है, कोई इसमें हमको मिलता भी नहीं है। क्या इसको गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? तो इसमें गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36 में जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है खाओ और खिलाओ, तो उसमें कैद नहीं लगी अल्लाह ने कि इसके अंदर गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, तो गैर मुस्लिम को भी इसमें दिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे आदमी को दें, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो ऐसे आदमी का आप ध्यान रखें कि वो आदमी जो है शराब वगैरह ऐसी हराम चीज़ों को अशिया का इस्तेमाल ना करता हो, तो इसे आदमी को आप खिला सकते हैं, इस आदमी को आप उसमें खिला सकते हैं, दे सकते हैं।